हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम बागन। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानोगे टॉप थ्री ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बेनिफिशियल भी है। दोस्तों आज जो भी कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडस्ट्रीज की डिमांड है। आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज ऐसी ही स्किल्स की डिमांड ज़्यादा करती है और जो स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा उसके बिना किसी भी कंपनी का काम रुक सकता है। यही कारण कि अगर आप इन कोर्सेज को चूज करते हो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टडी के दौरान या फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी, तो आपको जॉब लेने में बहुत ही ज्यादा मदद होगी और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। तो दोस्तों अगर आप इस पूरी जानकारी को जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके सभी स्किल्स के बारे में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर की स्किल है वो है ऑटो कैड कैम प्रोई एंड सॉलिड वर्क्स। दोस्तों आपने ऑटो कैड का नाम तो कॉलेज टाइम में जरूर सुना होगा। बेसिकली ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसका यूज लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करने से पहले उसका ड्राइंग तैयार करती है ताकि उसको उस प्रोडक्ट के लुक साइज और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चल सके। और ड्राइंग को तैयार करने के लिए कंपनियां ऑटो कैड और ऐसी ही अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। पुराने टाइम पे डिज़ाइन को तैयार करने के लिए पेपर वर्क ज़्यादा होता था, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। बट आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सभी कंपनियां डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ऐसे में डिज़ाइन इंजीनियर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए आपको ऑटो कैड प्रोई कैम जैसे सॉफ्टवेयर्स को सीखना होगा। दोस्तों इन सॉफ्टवेयर्स को आप अपनी पढ़ाई के दौरान या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी सीख सकते हैं। बस आपको एक अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपने इन सॉफ्टवेयर्स को सीख लिया तो आप इजली कहीं भी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब को पा सकते हो। दोस्तों ये तो था स्किल की जानकारी, बट आपको ये कोर्स कहाँ से करना चाहिए ताकि आपका समय और पैसा दोनों बच सके और आपको एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इसकी जानकारी वीडियो के लास्ट में पता चलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए आगे वीडियो में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोर्स की ओर। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे कोर्स है वो है CNC टर्निंग एंड मिलिंग का। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को एक स्पेशल डिज़ाइन देने के बाद उसे एक्चुअल में बनाने के लिए जनरली CNC मशीन का यूज़ होता है। लगभग हर इंडस्ट्री में जो कि मैकेनिकल की फील्ड से रिलेटेड होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जहां पे CNC मशीन का यूज होता है और ये मशीनें प्रोडक्ट को ही फाइनल डिजाइन देती हैं। अब दोस्तों ऐसे में अगर आपने CNC मशीन से रिलेटेड कोर्स को कर लिया तो आपके जॉब लगने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बेसिकली इस कोर्स में आपको CNC मशीन से कितने तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कैसे उन ऑपरेशन को करना है और कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है। बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से आपको CNC मशीन को ऑपरेट करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है, ये सभी चीज़ें आप इन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो, CNC से रिलेटेड ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो इसके साथ आपको एक ऐसी एडिशनल स्किल मिल जाती है जो कि लगभग हर मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड कंपनी में एक अच्छी जॉब दिलवाने में आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। तो अगर आप भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो थी सेकंड कोर्स की जानकारी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के कोर्स की ओर। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर हिट कर दे। दोस्तों सबसे पहले नंबर का जो कोर्स है वो है CNC प्रोग्रामिंग का। ये भी CNC मशीन से रिलेटेड ही कोर्स है। वैसे तो ये कोर्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है बट मैकेनिकल वालों के लिए भी ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों अब तक जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि CNC मशीन किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वैसे ही CNC प्रोग्रामर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंपनी के लिए। बेसिकली CNC प्रोग्रामर का काम ये होता है कि CNC मशीन के प्रोग्राम को, यानी उसके काम करने के तरीके को ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना ताकि एक मशीन से अलग अलग तरीकों के काम किए जा सके और एक ही मशीन से अलग अलग डिज़ाइन के कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सके। दोस्तों CNC प्रोग्रामर बनने के लिए आपको CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना होगा। बेसिकली इस कोर्स में आपको CNC मशीन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है, किस तरीके से उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको फाइंड आउट करके ट्रबल
शूटिंग करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये भी होगा कि आप इस स्किल के थ्रू फ्रीलांसिंग जॉब भी इजिली पा सकते हो और आपको इस स्किल के बदले काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। दोस्तों अब तक जितने भी कोर्सेज आपको मैंने बताया उनमें ये जो कोर्स है CNC प्रोग्रामिंग का, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इस कोर्स के थ्रू सबसे पहले तो आपको फ्रीलांसिंग जॉब के भी ऑफर मिलते हैं और इसमें सैलरी आपको बाकी दोनों कोर्सेज के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने तीनों कोर्सेज की जानकारी ले ली, अब जानते हैं कि कहाँ से आपको इन कोर्सेज को सीखना चाहिए ताकि आपका पैसा और समय दोनों बच सके और आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सके। दोस्तों वैसे तो इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है MSME टूल रूम, जो कि एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और ये देश के लगभग हर बड़े शहर में अवेलेबल है। यहाँ से आप तीनों कोर्सेज को बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्च में सीख सकते हो और साथ के साथ इनका अपना एक जॉब पोर्टल भी है, स्पेशल जॉब पोर्टल। यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको उस पोर्टल के थ्रू जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाता है। मैंने तीनों कोर्सेज के ऊपर और MSME के जॉब पोर्टल पे भी स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या ऊपर दिख रहे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनका लिंक फाइंड करके उसे देख सकते हो। उन वीडियोस को देखने के बाद आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इसलिए उन वीडियो को आप जरूर देखना। तो दोस्तों ये थी वो पूरी जानकारी जो कि आज आपको मैं इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड के साथ, जो भी आपके बैचमेट है मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना। और दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे तो दोस्तों बेफिक्र आप कमेंट करके अपने कोई भी सवाल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम किसी पे भी मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप भी एक भी वीडियो मिस ना कर सको। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।